हाय एवरीवन, आप सभी के स्वागत है एक और मजेदार न्यू वीडियो में न्यू एक जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ ऑटो ट्रांसफर को लेकर के। दोस्तों, आपका पीएफ का बैलेंस ऑटो ट्रांसफर करने के लिए कुछ रूल्स आपको फॉलो करना होगा, कुछ स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा और किस तरीके से आप ऑटो ट्रांसफर कर सकते हैं अपना पीएफ बैलेंस, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं। जानकारी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको पीएफ यूनियन रिलेटेड हेल्पफुल नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। आपको पीएफ यूनियन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी टेक्निकल मिथुन इंडिया स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं, साथ में प्लीज फॉलो भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपना पीएफ बैलेंस को ऑटो ट्रांसफर किस तरीके से कर सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो रूल्स है, रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका पीएफ अकाउंट में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, पीएफ अकाउंट के साथ आपके आधार कार्ड वेरीफाई होना चाहिए, और आपका जो पुराना मेंबर आईडी है, आपका मेंबर आईडी में डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना चाहिए, साथ में आपका यूएन एक्टिवेट होना चाहिए, यानी एक्टिव होना चाहिए आपका यूएन नंबर। ये जो चीज़ें मैंने बताया हूँ, ये चीज़ आपका पीएफ अकाउंट में यूएन नंबर पर कंप्लीट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, इसके बाद ही आप ऑटो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऑटो ट्रांसफर आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ऑटो ट्रांसफर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि हम ऑनलाइन पीएफ बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर करने के लिए आपको बहुत सारे झंझट की सामना करना पड़ता है, काफी टाइम वेट भी करना पड़ता है। ऑटो ट्रांसफर जो है आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, ऑफलाइन ही आपको ऑटो ट्रांसफर की प्रोसेस करना होगा। दोस्तों, जब आप पुराने कंपनी के छोड़ के जब न्यू कंपनी में आप ज्वाइन करोगे, उस टाइम आपको इम्प्लॉयर को बताना है कि मेरा पुराना यूएन नंबर है, पुराना मेंबर आईडी है, पुराना मेंबर आईडी का जो बैलेंस है मुझे न्यू मेंबर आईडी में ट्रांसफर करना है। तो उस टाइम आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म नंबर 11। फॉर्म नंबर जब 11 फॉर्म को आप फिल करोगे, आपका पुराना कंपनी का डिटेल्स जब आप फॉर्म नंबर 11 में फिल करोगे और आपका इम्प्लॉयर को जब दोगे, आपका इम्प्लॉयर उस ज्वाइनिंग के साथ साथ जिस टाइम आपका मेंबर आईडी जनरेट करेंगे, तो उस टाइम आपका जो पीएफ का जो बैलेंस है ऑटो ट्रांसफर का रिक्वेस्ट जनरेट कर देंगे, यानी प्रोसेस में कर देंगे। जैसे ही आपका पीएफ बैलेंस ऑटो ट्रांसफर के लिए जनरेट हो जाएगा, प्रोसीड में आ जाएगा, उस टाइम पीएफ की तरफ से आपका एक मोबाइल में आपका रजिस्टर्ड नंबर पे एक एसएमएस आएगा और एसएमएस कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऑटो क्लाइम टू ट्रांसफर योर ईपीएफ एक्युमुलेशन फॉर्म, आपका कंपनी का नाम रहेगा, पहला आपका पुराना कंपनी का नाम रहेगा, टू न्यू कंपनी का नाम रहेगा, हैज बीन कॉन्सिडेंट अगेंस्ट यूएन नंबर, इसके बाद यहाँ पर आपका यूएन नंबर देखने को मिल जाएगा, यू मै चॉइस टू स्टॉप द क्लाइम विथिन 10 डेज ऑफ डेट ऑफ लिंकिंग, इस तरीके से जब आपका मैसेज देखने को मिल जाएगा, तो उस मैसेज में आपको ये भी बताया जा रहा है आपका पीएफ बैलेंस ट्रांसफर का जो ऑटो क्लाइम है, ऑटो रिक्वेस्ट है, आप उनको 10 दिन के अंदर कैंसिल भी कर सकते हैं, और अपना पीएफ अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं। अपना यूएन नंबर लॉगिन करने के बाद जब आप ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट जब आप ट्रैक क्लाइम पर क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा जब आप नीचे स्लाइड डाउन करोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऑटो क्लाइम, और थोड़ा सा जब और नीचे स्लाइड डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक्शन का बटन देखने को मिल जाएगा। एक्शन के बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट एक पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक बॉक्स देखने को मिल रहा है, आप अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो एक्शन बटन पर कैंसिल पर क्लिक करके आप कैंसिल कर सकते हैं, एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कैंसिल करने के लिए इस बॉक्स में आपको किस वजह से या किस कारण से आप रिक्वेस्ट को कैंसिल करना चाहते हैं, कैंसिल करने का वजह आपको यहाँ पर लिखना होगा, इसके बाद ही आप कैंसिल कर सकते हैं, यानी ऑटो ट्रांसफर का जो रिक्वेस्ट है आप स्टॉप कर सकते हैं। ये स्टॉप करने का तारीख मैंने सिर्फ बताया हूँ, आपको नहीं करना है। अगर आप कैंसिल करते हो तो दोबारा आपको पीएफ बैलेंस को ट्रांसफर करने में बहुत परेशानियां झेलना पड़ेगा। पीएफ बैलेंस ऑटो ट्रांसफर का जो प्रोसेस है मैंने बताया हूँ, आपका इम्प्लॉयर से ही ऑटो ट्रांसफर की क्लाइम जनरेट करना होगा, यानी प्रोसेस करना होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर जानकारी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहना, तब तक के लिए बाय बाय।